Hello and welcome you all to Azido Academy. Students, today we are going to discuss important topic molecules in this chapter Atoms and Molecules. Students, we will go further. We have studied in our previous video or discussed that the smallest portion of matter is known as atom. इसे हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि मैटर्स इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स और वही स्मॉल पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट एटम्स कहते हैं ओके एंड इट हैज एन एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज ये भी हम लोग को पता है कि ये इसका जो साइज होता है बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन इसे हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं ओके अगर इन जनरल हम लोग बात करें तो एट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स का जो एटम्स होता है स्टूडेंट्स वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है ओके बट द इनर्ट गैस और नोबल गैस बोथ आर द सेम ओके ये सेम थिंग सेम वर्ड है नो इनर्ट गैस और नोबल गैस लाइक हीलियम नियॉन आर्गन जेनॉन क्रैक्टन दिस ऑल आर नोबल गैस और इनर्ट गैस ये क्वाइट स्टेबल होता है दैट्स व्हाई दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली तो ये एक्सेप्शनल होता है ओके फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने तो पहले ही कह दिया कि हीलियम हो गया नियन हो गया आर्गन हो गया एक्सेट्रा ये सारे एक्सेप्शन होता है क्योंकि ये क्वाइट स्टेबल भी होता है एंड इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी करता है अब क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स व्हाट अबाउट द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स ये तो क्वेश्चन अराइज होता ही है तो द एटम ऑफ द सेम और अब डेफिनेशन में जा रहे हैं स्टूडेंट्स कि व्हाट इज द मॉलिक्यूल्स द एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स आर बॉन्डेड टुगेदर टाइटली बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है स्टूडेंट इसी को हम लोग कहते हैं केमिकल बॉन्ड्स यही केमिकल बॉन्ड के बॉन्ड के लिए जो मॉलिक्यूल्स सेम एलिमेंट्स का या डिफरेंट एलिमेंट्स का जो एटम्स होता है वो ये जो टाइटली जो एक दूसरे के साथ एक दूसरे को जो पकड़ के रहता है उसका जो रीज़न है उसका ये केमिकल बॉन्ड है ये केमिकल बॉन्ड क्या है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इसी को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल्स द व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स Now look at here. A group of two or more atoms. एक चीज पे ध्यान दीजिएगा students. यहाँ पर मैंने लिखा है same or different. A group of two or more atoms, same or different means ये same elements भी हो सकता है या different elements भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है same element भी हो सकता है different elements भी हो सकता है chemically bonded to each other and held tightly by strong attractive force. इस attractive force को ही हम लोग force of attraction कहते हैं. Clear? So, this is the molecules. अब question ये आ रहा है कि molecules कितने प्रकार का होता है? What type of molecules? Two types of molecules. Molecules of elements, molecules of compounds. अब molecules of elements क्या है? Molecules of elements are formed by the combination of two or more atoms of the same element. अब बात ये है कि मैंने यहाँ पर सेम और डिफरेंट जो लिखा अब इसका इसका क्या फंडा क्या है
स्टूडेंट्स, फंडा यही है, ये जो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मीन्स ग्रुप ऑफ एटम्स, तो आप सेम एलिमेंट्स का ग्रुप ऑफ एटम्स का क्या मतलब बनता है, उसी को हम लोग आगे चल के डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स, ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स मीन्स सेम एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स सेम एटम्स से बना होता है, नॉट सेम एटम, मैंने एटम नहीं बोल रहा, मैं एटम नहीं बोल रही हूँ, एटम्स बोल रही हूँ, ओके, तो सेम एटम्स से बना हुआ होता है, जिसके कारण से उसे कहा जाता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। सो नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ द एग्जाम्पल, लेकिन एग्जाम्पल में जाने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि एटॉमिसिटी क्या है। अब व्हाट इज द एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी द नंबर ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट इट्स एटॉमिसिटी। अब एटॉमिसिटी क्या है? किसी भी एलिमेंट्स में या किसी भी मॉलिक्यूल्स में जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होता है ना स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल्स में उसे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉलिक्यूल्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट रहता है किसी भी एलिमेंट्स में या कंपाउंड्स में, जो मॉलिक्यूल कहते हैं जिसे हम लोग, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, उसी का एटॉमिसिटी। द नंबर ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट इट्स एटॉमिसिटी। क्लियर? अब स्टूडेंट, एटॉमिसिटी और अगर हम बोलेंगे कि कोई भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है, सपोज हाइड्रोजन को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर हाइड्रोजन का रिप्रेजेंट करने का बात हो रहा है, बात करें तो हाइड्रोजन को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एच से, ओनली कैपिटल एच। बट अगर हम इस हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी का बात करें तो दिस इज H2 मतलब डाया एटॉमिक, डाया मीन्स टू, केमिस्ट्री में मोनो, डाया, ट्राया, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, ये सारे 1 to 10 को कहा जाता है स्टूडेंट। तो डाया मीन्स यहाँ पर 2 होता है, तो हाइड्रोजन ऑलवेज फाउंड इन नेचर एज ए डायाटमिक, डायाटमिक मीन्स दो एटम से बना हुआ होता है, दैट मीन्स द मॉलिक्यूल ऑफ द हाइड्रोजन इज H2, टू एटम्स, लेकिन ये H एंड H होता है। तो स्टूडेंट्स अब पता चल रहा है ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स सेम एलिमेंट्स, तो ये हो गया मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। एवरीथिंग कैनॉट बी रिटन ऑन द बोर्ड, सो लिसन केयरफुल्ली एंड रिपीटेडली टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली स्टूडेंट, सो डोंट स्किप वीडियो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स, एंड नोट्स ऑफ द चैप्टर फॉर एग्जामिनेशन।
Now students, for example, a molecule of hydrogen is made from two atoms of hydrogen. Its atomicity is 2 and is represented as H2. Means elements, molecules of elements. जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जैसे ऑक्सीजन, ये भी O2 डायएटमिक. तो ये ऑक्सीजन डायएटमिक O2 मीन्स ये सेम एलिमेंट के दो एटम से बना हुआ होता है, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट. यस, डायएटमिक. ओजोन, ओजोन क्या है, ये तीन एटम, ऑक्सीजन के तीन एटम से बना हुआ होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ट्राइएटमिक, तीन रहता है. तो इसका एटॉमिसिटी कितना हो गया स्टूडेंट्स, इसका तो 2 हो गया स्टूडेंट्स एटॉमिसिटी. इसका एटॉमिसिटी 2, इसका एटॉमिसिटी, ओजोन का एटॉमिसिटी कितना हो गया स्टूडेंट, 3. फॉस्फोरस P4, ये 4 एटम से बना हुआ होता है, सेम एलिमेंट्स का 4 एटम से बना हुआ होता है, जिसके कारण से इसका एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा, 4. एंड लास्ट वन सल्फर, जिसे हम लोग पॉली एटॉमिक कहते हैं, पॉली मीन्स मेनी, क्योंकि इसमें कितना एटम से बना हुआ होता है सल्फर, 8 एटम, सेम एलिमेंट्स के 8 एटम से ये बना हुआ होता है. तो इसका एटॉमिसिटी कितना हो गया, 8 हो गया स्टूडेंट्स. सो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डायटमिक, ट्राइटमिक, टेट्राटमिक, पॉलीएटमिक, मोनोएटमिक. मोनो मीन्स सिंगल. क्लियर स्टूडेंट? Now students, based upon the above discussion, the atomicity of a few common elements in their molecules is given. Okay, the first name of the elements, हमने एक list बना लिया, name of the elements, symbol of the element, atomicity, representation of molecule. अब argon, argon is an inert gas or noble gas. सिंबल क्या होता है, कैपिटल ए स्मॉल आर. ये सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स मैंने अपना पहले ही वीडियो, प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. हम अपने पहले प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एलिमेंट्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द आर्गन्स एटॉमिसिटी क्या है, मोनोएटॉमिक. अब ये मोनोएटॉमिक मींस, मोनो मींस वन, तो ये ओनली क्या रिप्रेजेंट करेगा, आर्गन को कैसे रिप्रेजेंट करेगा जब उसका एटॉमिसिटी ओनली AR. हीलियम, ये भी एक नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, ये भी मोनोएटॉमिक होता है, तो एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल ओनली HE. बट जब आप लोग हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन का बात करेंगे स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर तीनों हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन. तो ये हाइड्रोजन सिंबल H, ऑक्सीजन का O, क्लोरीन का Cl, ये तीनों ही स्टूडेंट्स यहाँ पर डायएटमिक, ये तीनों ही यहाँ पर डायएटमिक शो कर रहे हैं. डायएटमिक मीन्स एटम, कितने एटम से बना हुआ होता है, सेम एलिमेंट्स का 2. तो ये कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन H2O2Cl2. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज ओजोन. ओजोन ऑक्सीजन के 3 एटम से बना हुआ होता है, तो ये ट्राइटमिक हो गया. रिप्रेजेंट कैसे होता है, O3, जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को लिख के मैंने दिखाया. फिर फॉस्फोरस,
P4 रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, P4 कहते क्या है, टेट्रा एटॉमिक। सल्फर एस, ऑक्टा एटॉमिक S8 या तो पॉली एटॉमिक। सोडियम Na, ये भी मोनो। कॉपर मोनो एटॉमिक, दैट मीन्स जितने भी सारे मोनो एटॉमिक्स हैं, आयरन सिल्वर सोडियम कॉपर आर्गन हीलियम, ये ओनली फॉर अपना जो सिंबल्स है उसी को रिप्रेजेंट करेगा। बट जब भी ये डाया ट्राया टेट्रा पॉली में आ जाता है या ऑक्टा में, तब ये कैसे रिप्रेजेंट करता है, H2P4O3 लाइक दैट। तो ये सारा होता है किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिसिटी। नेक्स्ट टॉपिक, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइंड और बॉन्डेड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स। दीज आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन और रेशियो बाय मास अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं। उस लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स का जो एटम्स हैं वो केमिकली बॉन्डेड टू ईच अदर, एक दूसरे से उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टाइटली हेल्ड करता है, एक दूसरे को पकड़ के रखता है। और ये जो कंबाइंड होता है या बॉन्डेड होता है जिसके हम लोग केमिकल बॉन्ड्स कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइंड और बॉन्डेड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स। लेकिन वो जो केमिकल बॉन्ड्स होता है उसका जो रेशियो होता है, रेशियो बाय मास ऑलवेज फिक्स्ड, वो हमेशा फिक्स्ड रहता है उसका प्रोपोजल या रेशियो, चाहे आप कुछ भी बोलिए, बाय मास वो ऑलवेज फिक्स्ड होता है। सपोज जैसे कि हम कंपाउंड्स में हाइड्रोजन क्लोराइड को ले रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड कंबाइनिंग एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, दैट मीन्स इसमें एलिमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट है, हाइड्रोजन का भी एटम है एंड क्लोरीन का भी एटम है। अब ये डायाटॉमिक्स क्यों, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। अब यहां पर कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, दैट मीन्स H के पास एक एटम है, क्लोरीन भी एक है, दैट मीन्स H एंड Cl, तब ना ये हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के कंबाइंड टुगेदर एज अ प्रेजेंट इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, तब ये क्या फॉर्म कर रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। लेकिन एलिमेंट्स क्या है, अलग अलग है, एक हाइड्रोजन एलिमेंट है एक क्लोरीन है, और दोनों का जो एटम है, हाइड्रोजन क्लोराइड जो बनता है इसमें भी एक एटम है, इसमें भी एक एटम है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ, दैट मीन्स 1 1, तो 1 1 मीन्स 1+1 इज इक्वल टू 2, तो दैट्स व्हाई इट्स नेचर इज डायटॉमिक। क्लियर। अब इसका रेशियो क्या हो जाएगा हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता स्टूडेंट एंड क्लोरीन का होता है 35.5, so its ratio is 1:35.5. clear. now the next example, water H2O. ab ye H2O the different elements are combined by chemical bonds, by chemical bonds means yahan par hydrogen bhi hai aur क्या है, ऑक्सीजन है। बट वाटर का फॉर्मूला क्या, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर, H2O, कितना यहाँ पर हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स, 2,
ऑक्सीजन का बस पास कितना होता है? टू, सॉरी वन, ऑक्सीजन के पास वन। तो H2O वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, तो H2 में हाइड्रोजन के पास कितने एटम है प्रेजेंट? एटम यहाँ पर टू एटम्स है और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है? ओनली वन है। तो नाउ टू प्लस वन हाउ मच? थ्री। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट? ट्राई एटमिक। ये क्या हो गया? ट्राई एटमिक। अब ये ट्राई एटमिक रेशियो बाय मास 1:8, 1:8 क्यों? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, बट यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है स्टूडेंट्स? 2 है, तो 1 × 2 = 2 एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो जाता है 16। नाउ 2/16 स्कट 1 by 8, दैट मीन्स 1:8। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल एमोनिया। दिस ऑल आर कंपाउंड्स एंड NH3, HCl, H2O, दिस ऑल आर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स, सिंबल ऑफ द एलिमेंट, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। नाउ NH3, अब इसमें क्या कंबाइनिंग एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स? इसमें नाइट्रोजन है एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पर नाइट्रोजन, अमोनिया में नाइट्रोजन कितने एटम है? ओनली वन। और हाइड्रोजन का कितना एटम प्रेजेंट है? 3। तो क्या हो गया? 1 + 3 = 4, टेट्रा एटमिक। नेचर क्या हो गया? टेट्रा एटमिक, दैट मीन्स एमोनिया कंपाउंड का नेचर टेट्रा एटमिक। अब रेशियो 14:3, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है एंड हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, बट हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है स्टूडेंट्स? 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, सो दैट्स व्हाई 1 × 3 = 3। तो ये क्या हो गया? 14:3। क्लियर? कार्बन डाइऑक्साइड, डिफरेंट एलिमेंट्स मीन्स कार्बन एंड ऑक्सीजन, बट इन दिस फॉर्मूला कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन ओनली वन एटम एंड ऑक्सीजन हियर 2 एटम। सो नाउ 1 + 2 = 3, ट्राइएटमिक। एंड रेशियो कार्बन इट्स एटॉमिक मास 12 एंड ऑक्सीजन एटॉमिक मास 16, बट द फॉर्मूला ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इट्स अ CO2, सो दैट्स व्हाई 16 × 2, सो इज इक्वल टू 32। सो 12 by 32, 4 3 = 12 and 3 8 = 32, so 3 is to 8. Clear? The last one, methane, CH4. Combining elements carbon and hydrogen. How many carbon present here? Only 1 and hydrogen 4 in this compound. Which compound? Methane compound. So H4 and C is 1 and a hydrogen 4. 1 + 4 = 5. So this is the pentatomic. ओके, रेशियो कार्बन इट्स 12, एटॉमिक मास इज टू हाइड्रोजन 1, सो
वन इंटू फोर. क्यों फोर? क्योंकि मेरा फॉर्मूला ही है एच फोर. सो दैट्स वाई 12 by 4. 4 3 12. सो दैट्स वाई, और नीचे कुछ नहीं है तो मीन्स 1 है. 3 is to 1. Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe the channel to get the next update or video.